छोटू 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 जो भी आप मंत्री से सुन रहे हैं बंद हो नंद भैया, आप राजनीति क्षेत्र में रहे हैं, उसके बाद आप वकालत भी किए हैं और फिर आप ये फिल्म इंडस्ट्री में, और हर जगह आपकी अच्छी छवि रही है, तो इसमें आप कैसे देख रहे हैं कि क्या होगा ऐसे और कितना बढ़िया होगा? क्योंकि हुजूम देख के यहाँ लग रहा है कि आप एक अच्छा किरदार निभाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इस पिक्चर को लेकर, इस पर क्या कहना? पहले मैं मीडिया बंधुओं को बधाई दिल से नमस्कार करता हूँ, और राजनीतिक जीवन में मेरा बहुत अच्छा रहा, सब मीडिया वालों का आशीर्वाद, प्रतापगढ़ वालों का आशीर्वाद रहा, और उसके बाद वकालत में पैसा भी मैंने गरीबों की काफ़ी हेल्प की है और निःशुल्क किया, और बस पिक्चर देखते थे, जैसे आदित्य भैया हुए और बस काफ़ी हीरो हैं, उसे तमन्ना मेरी शुरू से ही थी, मैं डांस का बहुत शौकीन था, लेकिन जैसे पर्दे पे आए, फिर हमारी मुलाकात एके जैन से हुई, उन्होंने मुझे ऑफर दिया इस पिक्चर में, और आदित्य भैया हमारे काफ़ी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं इस चीज़ में, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो प्रतापगढ़ में और भी ज़िले में मेरा भी नाम होगा, एक आदित्य भैया के साथ और छोटे भाई की तरह ये मुझे गाइड कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, बस आप लोग यही आप कितना खुश हैं इस फिल्म को लेकर? कितना मैं इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हूँ, और मुझसे जो हो पा रहा है मैं अपनी तरफ से खड़ा उतरूँगा और अपने जनपद प्रतापगढ़ का नाम रोशन करूँगा। इस फिल्म में आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? इस फिल्म में मुझे शुरू से लेकर अंत तक प्रधान का रोल मिला हुआ है, जिस फिल्म में ये बन रही है, ये पूरी भूमिका फिल्म जो है एक शिवलिंग के ऊपर नागनागिन के ऊपर बन रही है, जो मुझे एक प्रधान का रोल दिया गया है, और मंदिर बनाने का मैंने प्रण किया है, मंदिर बनवाया।